ये तेल वाटर बेसिन मिक्सर है, इसको इस तरीके से चलाया जाता है कि ये खुलता है इस तरीके से, जैसे घुमाते हैं और ये पानी आना शुरू हो जाता है, बीच में आके मिक्स आने लगता है और लेफ्ट साइड से जाता है ये गर्म आता है। इसको मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको खोलना है और इसकी काटरी अगर बदलनी है तो क्या करना होगा। सबसे पहले तो यहाँ का स्क्रू खोलेंगे, दोनों एलन की लगी हुई है, एलन की से आप स्क्रू खोलेंगे इसके, इस तरीके से ये बाहर आ जाएगा दोनों। तो स्क्रू खोलने के बाद इसको हम रख देंगे संभाल कर, और इसके बाद फिर इसके पीछे भी आप देखेंगे इसी तरीके दो स्क्रू हैं नीचे। अच्छा, ये एक सिंगल वाला है, इसको थोड़ा सा खींचना पड़ेगा कार्ट्रिज के साथ में अटैच हो गई ना, ये आ गया बाहर, ये आ गया ना, ये देखिए इस तरह का इसमें पाइप लगा हुआ है और यहाँ पर जो ये इससे कसा हुआ था, और ये किस जगह कसा हुआ था अपना कट, ये जो कट है कट यहाँ पर लगा हुआ है, कट पे नहीं सर, ये जो होल है ना ये वाला, हाँ। ये और ये जो एलंकी का ये होल है ये वाला, ये होल और ये होल इस पर मैच होना चाहिए। तो मतलब वो कट के सामने बैठेगा लेकिन जगह तब भी ज़्यादा ज़्यादा मिलेगा, तो यहाँ पे स्क्रू कैसे ठीक है। तो ये आपको होल मैच करना है, ये पीछे जो स्क्रू दिख रहा है ये वाला और इसके अंदर जो निकला था, ये दोनों को मैच करके आपको कसना होगा, जब कसते समय ये ध्यान रखना होगा। अभी हम इसको निकाल रहे हैं, निकाल दो इसको भी अलग कर दूँ, उसके बाद फिर ये वाला एलन की स्क्रू खुलेगा नीचे, इसके एक और सिंगल स्क्रू है, इसमें कोई चीज़ ध्यान रखने वाली है कि कैसे इसको रोक के रखना, इसमें कुछ नहीं है ध्यान रखना, इसको सिंपल निकाल देना है। इसमें बस वही है, इसमें भी ये शब्द है ना, जो होल है ये होल इस होल से मैच होगा, इस जगह पे कैसे जाएगा इसको, ये वाला होल नीचे वाला, ठीक है। ये स्लीव उठेगी, अभी स्लीव निकलेगी, स्लीव उठ गई, ये इसके दो नट हैं, इनको बेटर है कि अगर आपके पास बॉक्स स्पैनर हो क्योंकि टकरा के इसका लगने के चांसेस हो सकते हैं अदरवाइज स्लिप होने के। ये उठ के ऊपर आएगा, ये निकाल देंगे हम इसको, निकालने के बाद ये चक नट है यहाँ पर, चकनट पकड़ में नहीं आया शायद, लेकिन इस तरफ से चकनट नहीं पकड़ा गया था, नट उस तरफ से ही पकड़ा गया था खाली। ये बाहर आ गई, ये इसकी कार्ट्रिज है, यहाँ से आप अब इससे ज़्यादा नहीं खोल रहे हैं, ये स्क्रू खोलेंगे तो ये बाहर आ जाएगी इसलिए अंदर से, और एक कार्ट्रिज आपको इधर यहाँ पर दिख रहा है, एक होल, एक ये उठा हुआ हिस्सा दिख रहा है आपको सेंटर में, ये हमारा इस वाले हिस्से में जाएगा, सेट हो जाएगा नीचे की तरफ, दो होल जो है आजू बाजू वाले जाएंगे और ये इस तरह से सेट होगा। यदि आपको कार्ट्रिज बदलनी है तो इसको इस तरीके से बदलना होगा, इसको वापस सेट कर लें, मैंने इसको कस दिया है ठीक से, इसके बाद स्लीप बैठा रहे हैं, दोनों नट कसे जाएंगे बाजू के, नहीं वो उसमें वो नहीं था, ये स्लीप का खेल है, ये अब वो पता नहीं अभी लगा दिया मैंने, पता नहीं वैसे ही लगा,
नीचे वाले इनवर्टर भी फुल टाइट नहीं किए हैं, बाद में टाइट करेंगे इसको। वो ये स्लीप नहीं उठाई अभी ना। अच्छा ओके, देख रहे हैं अभी खाली। अभी क्या चालू है ना अभी तो गलत लगा रहा है। बोल तो इस तरफ ही आएगा ना, आपके राइट साइड आएगा। ये इसका के ये वाला जो होल है ना ये, और ये होल मैं इस करूंगा इसको। ये ठीक है, अब चलो अब इसको लगा दे दो। अब ये ओपन आपके तरफ हो रहा है। ये गलत लग गई। ये क्यों नहीं गलत लग गई, ये कैसे पता चला? एक मिनट बताओ। ये स्लीप का होल हमने मैच कर दिया, ठीक है। अब ये जो है ना, ये इसी पोजीशन पे इसको बैठना चाहिए सीधा। ये बैठ नहीं रहा, ये गैप आ रहा है बहुत ज़्यादा। ये बैठ नहीं रहा, मतलब ये ऐसा बैठना चाहिए इसको। ये ऐसे ये अंदर चला जाता है। अब इसको क्या करना, मतलब ये अपोजिट ये वाला हिस्सा जो है, हाँ। ये जब लगेगा तो ऐसा मैच होना चाहिए कायदे से, लेकिन हाँ। अगर हम अभी ऐसा मैच हो रहा है, ये ऐसा मैच हो रहा है, हाँ सॉरी मतलब ऐसा। तो अब इसमें क्या है, ये इसको खोल के ये जो नट है इस साइड लगाना है, ये जो होल है इधर करना है। इसका खेल तो आपको स्लीप का ध्यान रखना पड़ेगा कि फिर, मतलब ये ना कि ये जो है ये दोनों होल एक साइड में नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये ना, ये दोनों अपोजिट साइड होना चाहिए, ये इधर होना चाहिए, ये इधर होना चाहिए। सही पकड़े, ये आप सही आ गया। ये वाले होल में हाँ, अभी अपोजिट साइड में आ गया होल, ये कट के सामने आएगा, मतलब ये वाला जो होल है ये कट इस कट के सामने आएगा, ये होल ऊपर वाले कट के सामने आएगा, नीचे वाला वाशर बैठा के फ्री बैठाना फिर में। ओके हो गया ये, ठीक है कर दिए। अभी मत करो, ऊपर वाले पहले एक बार सेट करो, हो जाएगा वो, कर चुका था मैं फाइनल कर चुका था वो सर। आज ठंडा लेकिन समझ में आ गया ना, जिसने भी देख लिया वीडियो उसके काम आ जाएगा ये। सर कायदे से बता, ये सब वीडियो ना देना चाहिए वो फैक्ट्री वालों, भले मैन्युअली बना के दें लेकिन देना चाहिए। हम बना रहे हैं ये सर, ये आराम से आप अपने तरफ खोलो, पूरी तरीके से खोल के दिखाओ जरा, चालू कैसे होगा ये पोजीशन। ओपन की है, पोजीशन पे ठंडा आएगा पूरा, हाफ पे आएगा तो आधा गर्म आधा ठंडा मिक्स होगा, मिक्स आएगा ये फुल गर्म, फुल गर्म यहाँ के रुक जाएगा ये, ठीक है एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। इसको जब कसने के बाद एक बार बंद पोजीशन, अब इसका जो एलिंकी स्क्रू है ये इसको सेंटर पे रख के यहाँ से इसका एलिंकी स्क्रू कसेगा। इसमें भी जो बॉडी पे होल है, इस वाली स्लीप में होल है, उस होल को मैच करके कसना है। ठीक है कर दिए, कस गए आप यहाँ पे, फुल टाइट हो गया। अब चला के देखो, जो अपना पहले डिफरेंस दिख रहा था ना, अभी पहले वो पीछे तक जा रहा था, अभी कितना जा रहा है देखो, अभी यहाँ पे आके रुक रहा, पहले उधर तक जाके टकरा रहा था। वो जो स्लीव में कट है ना, वो हाँ, होल जो वो पॉजिट आएंगे कट इस साइड, तो होल इसका ये इधर आएगा स्क्रू वाला। ठीक है ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी स्क्रू छूटे नहीं, वरना बॉडी से बॉडी टच हो रही है, ऊपर जैसे अभी टच हो रही है। नहीं कसा ही कुछ भी, आप उल्टा करके कसो, कस इसको फुल टाइट कर देंगे अच्छी तरीके से, ताकि खुले नहीं है वापस, और इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। नीचे ब्लेड होल्स कसेंगी, इसमें नीचे ब्लेड होल्स में निशान बने हुए हैं नीचे की तरफ, थोड़ा सा दिखा देना। देखिए एक तरफ हिस्सा रेड है और एक ब्लू है, तो हमेशा रेड वाले में रेड यानी कि गर्म पानी जाएगा, और ब्लू वाले में
ठंडा पानी कनेक्ट होगा ब्रेड हाउस में। इसमें ये एरिएटर है जिसमें कचरा जम जाता है तो उसको खोल के क्लीन करना पड़ेगा अगर पानी का फ्लो कम हो रहा है। ये इसके लिए एक टूल आता है स्पेशल की आएगी, इसके साथ में ही आती है प्रोडक्ट के, हर प्रोडक्ट के साथ में आती है। अगर प्लम्बर ने घुमा दी है या नहीं दी है आपको तो इसको परचेस कर सकते हैं अलग से, या इस तरीके से खोल के इसको फिर आपको जुगाड़ से खोलना पड़ जाएगा। अभी यहाँ से खुल रहा है, ये फुल टाइट नहीं है, देखिए एरेटर ये बाहर आ गया। इसको आप साफ़ कर देंगे, साफ़ करके इसको वापस इस तरीके से कस देंगे तो ये सर ये तो लग नहीं जाएगा।